अच्छा, अब बाज दफा इन्वायरमेंटल प्रोविजन बनते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर डेबिट एक्सपेंस नहीं होता, बल्कि डेबिट आप एसेट में डालते हैं, तो वो किस कंडीशन में डालते हैं? इन्वायरमेंटल प्रोविजन। तो आप इन्वायरमेंटल प्रोविजन की एक एग्जाम्पल देखें। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, साइट रिस्टोरेशन, IAS 16 के अंदर जब आप एक एसेट खरीदते हैं तो उस एसेट की कॉस्ट निकाली जाती है। क्या क्या लेते हैं उस एसेट की कॉस्ट में? कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट व्हाट? सर, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज ठीक है, सब कुछ ले लेते हैं ना, और जी और जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म होगी उस वक्त उसको वहां से रिस्टोर करना होगा। जी फिर डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी ऐड होगी। अब वो डिसमेंटलिंग कैसे ऐड होगी, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये देखेंगे कि डिसमेंटलिंग करना कोई लीगल ऑब्लिगेशन है। अगर लीगल ऑब्लिगेशन है तो प्रोविजन बनेगा, अगर लीगल ऑब्लिगेशन है तो देखेंगे, नहीं है तो देखेंगे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। अगर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है तब भी प्रोविजन बनेगा, और अगर लीगल भी ना हो और कंस्ट्रक्टिव भी ना हो तो क्या हम प्रोविजन बनाएंगे? फिर हम प्रोविजन नहीं बना सकते, फिर डिसमेंटलिंग को एसेट में प्लस नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि यूजफुल लाइफ है 5 साल, 5वें साल के एंड पर डिसमेंटलिंग कॉस्ट लगेगी 1 लाख, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, यानी कि डिस्काउंट रेट दिया हुआ है। डिस्काउंट रेट की यहाँ क्यों जरूरत पड़ रही क्योंकि सर फैक्टर निकालना पड़ेगा ना सर। क्योंकि पीवी निकालनी पड़ेगी ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 पावर 5 करो, क्या आंसर आता है? 0.621 आएगा, ये फैक्टर है। तो 1 लाख का जो अमाउंट पे करना है 5वें साल के एंड में, उसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 62,100 इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ये किसमें ऐड हो जाएगी? इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगी। एंट्री क्या पास होगी? अब प्रोविजन में एक्सपेंस डेबिट नहीं हो रहा बल्कि एसेट को डेबिट कर रहा। क्रेडिट क्या होगा? प्रोविजन एज अ लाइबिलिटी। तो प्रोविजन तो का जो 5 साल डेबिट, तक चलेगा। हाँ प्रोविजन का जो डेबिट है ना, कभी कभार वो कैपिटलाइज हो जाता है। अच्छा, नहीं, लेकिन कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि वो प्रोविजन किसी एसेट के अगेंस्ट बनाया गया है या नहीं बनाया गया। अच्छा, अब हमें पेमेंट तो 1 लाख करनी है, बुक हमने 62,100 किया हुआ है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये 62,100 तो इंक्रीज आएगा हर साल, तो नेक्स्ट ईयर इस 62,100 के ऊपर 10% लगाएंगे, ये हो जाएगा 6,210, तो प्रोविजन इंक्रीज हो जाएगा इससे। लेकिन ये जो इंक्रीज इन प्रोविजन हुआ है ना, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से हो रहा है ना, तो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट है ये बेसिकली। क्या एंट्री होती है अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, की? और प्रोविजन क्रेडिट। तो प्रोविजन इंक्रीज होके कितना हो जाएगा नेक्स्ट ईयर? 62,100 पहले रिकॉर्ड किया हुआ है, 6,210 ऐड कर दिया, ये प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस है, कैरेट फॉरवर्ड। ठीक है। अच्छा, एसेट की जो भी वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ एसेट थी 5 लाख, उसमें ये इनिशियल प्रोविजन की वैल्यू क्या हो गई? ऐड हो गई, तो एसेट जो बैलेंस शीट में पड़ जाएगा वो 562,100 पे जाएगा, और एसेट का डेप्रिसिएशन इसी वैल्यू पे निकलेगा। पर इनिशियल अकाउंटिंग की आपको टेंशन होनी चाहिए कि पीवी कैसे निकालेंगे, पर
और बाद में सब्सिक्वेंटली अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, इस पे सवाल आ सकता है। ठीक। चलिए अब रह गया हमारा एक प्रोविजन स्पेसिफिक जो कि बनता है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, देखिए हम जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो हमारी इंटेंशन होती है कि इससे हमें फायदा होगा कॉस्ट के मुकाबले में। हर काम इंसान फायदे के लिए करता है, लेकिन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे सर का दर्द बन जाता है, यानी कि लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इन विच दी अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू रिसीव अंडर इट, यानी कि कॉस्ट ज्यादा हो गई और बेनिफिट कम हो गए, ये कहलाता है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। अगर अब आप ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो गए तो फिर एंटिटी क्या करेगी, उसकी जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ना उसको प्रोवाइड कर देगी, उसका प्रोविजन बना देगी। जैसे आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें आपको बेनिफिट तो मिले नहीं और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो आपको उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी अगर आपने जल्दी टर्मिनेट कर दिया तो। इसी तरीके से बाज दफा आप लीज पर कोई चीज ले लेते हैं, जैसे आपने प्रॉपर्टी लीज पे ले ली 5 साल के लिए, अब उस प्रॉपर्टी का कोई बेनिफिट ही नहीं आ रहा आपको तो कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना, तो वो आपके लिए ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट ऑफ प्रोविजन बनाने का तरीका लिखा हुआ है कि जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है ना वो होनी चाहिए, यानी कि प्रोविजन जो बनेगा वो लीस्ट नेट कॉस्ट ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विच इज द लोअर ऑफ फुलफिलिंग इट एनी कंपनसेशन और पेनल्टीज अराइजिंग फ्रॉम फुलफिल इट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बना और उसको फुलफिल करने की कॉस्ट है 1 लाख, और अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को अर्ली टर्मिनेट करके अपनी जान छुड़ाना चाहूँ तो टर्मिनेशन पेनल्टी मुझे देनी पड़ेगी 50,000। तो आप इसमें से जो लोअर ऑफ होगा ना उस लोअर ऑफ का प्रोविजन बनाएंगे,